नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह का अरुणाचल प्रदेश का दौरा, और उस दौरे में भी जिसे हम यहाँ बैठकर के अंतिम गांव कहते हैं भारत का, उसे अमित शाह साहब ने भारत का पहला गांव बताया है। और उनके इस दौरे का मकसद क्या है, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के प्रथम गांव में पहुंच करके चीन को सीधे सीधे आंखों में आंखें डाल करके चेतावनी देना, एक मकसद सो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है भारत का, कि हाल में चीन ने जो गुस्ताखी की थी अरुणाचल प्रदेश के 11 नाम बदलने की और अरुणाचल प्रदेश का भी नाम जेगना करने की, तो उसे लेकर के भारत सरकार बहुत सीरियस है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभवतः गृह मंत्री को ये दिशा निर्देश दिए कि अरुणाचल प्रदेश में पहुंचकर ही चीन को चेतावनी दी जाए। और उन्होंने ये कहा कि आज की तारीख में जो सरकार है, जो बदला हुआ ये नया भारत है, इसमें कोई सुई की नोक के बराबर भी जमीन कब्जाने के बारे में सोच नहीं सकता है। तो चीन जो पिछले कुछ समय से गुस्ताखियां कर रहा है, कभी पूर्वी लद्दाख में, कभी डोकलाम में 2017 में किया ही था, और अरुणाचल प्रदेश पर भी ये कहकर के दावा करता रहा कि ये तिब्बत का हिस्सा है, तो इस बदले हुए भारत के जो निज़ाम है, जो सरकार है, उसने चीन को कह दिया है कि दुस्साहस करने की हिम्मत भी मत करो। तो इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जाने माने रक्षा विश्लेषक और टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, और चाहे काउंटर टेररिज्म हो जिसकी ट्रेनिंग उन्होंने अमेरिका से ली थी, चाहे वार सिचुएशंस हो, आतंकवाद हो, इन पर बहुत गहरी पकड़ रखने वाले मेजर जनरल ए.के. शिवास सर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनसे आज चर्चा करते हैं इस अहम मुद्दे पर। शिवास साहब, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। शिवास साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगा कि गृह मंत्री अमित शाह का जो ये चीन का दौरा है 2 दिन का, और उन्होंने रात भी उसी गांव में बिताई जो किबूती गांव है, जिसको अमित शाह ने भारत का पहला गांव करार दिया है, तो ये इस यात्रा की प्रासंगिकता क्या है, ये कितनी महत्वपूर्ण यात्रा है, और अमित शाह साहब ने ये यात्रा की क्यों है? हाँ बिल्कुल चौधरी साहब, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है ये, किबीतू है और ये लोहित नदी के बिल्कुल साथ में है, और इसका जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 10 किलोमीटर साउथ में है, और जो बॉर्डर पड़ता है भारत का, म्यांमार का और चीन का, वो इससे करीब करीब 40 किलोमीटर दूर। ये वो जगह है जहां पर 1962 में चीन 20 से 28 अक्टूबर में जो मैं आया था, तो सबसे पहले किबीतू आया था। तो ये आपको समझना चाहिए और अपने व्यूज को, कि जिस प्रकार से हम बार बार ये कहते थे कि ये भारत का एक लास्ट विलेज है, उसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आती है, वो पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया है इस गवर्नमेंट ने और अमित शाह ने, कि ये लास्ट नहीं, ये पहला विलेज है भारत का। और ये एक माइंडसेट में से क्या फर्क पड़ता है, मैं ये बताने की कोशिश करूंगा अपने व्यूज को। अरुणाचल प्रदेश की डेवलपमेंट हमने जानबूझ के नहीं की थी 40 से 50 साल। हमें डर था कि अगर हम सड़कें बनाएंगे और उस इलाके को डेवलप करेंगे तो चीनी वहां पर आ जाएंगे और उन्हीं सड़कों का इस्तेमाल करेंगे, और ये माइंडसेट चेंज हुआ हमारा 15-20 साल से। और जो असली में माइंडसेट चेंज हुआ वो 10 साल से, जो 10 साल से गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में, वो काबिले तारीफ है। सड़कों का एक प्रकार से जाल बिछा दिया है, और उसके बाद वहाँ पर एयरफील्ड बन गई हैं, उसके बाद वहाँ पर आपके जो लॉजिस्टिक सप्लाई डिपो बन गए हैं, और मॉडर्न विलेजेज अभी बन रहे हैं, जो कि
आप वाइब्रेंट विलेज की बात हो रही। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताऊंगा कि मैं वहां पर 1986 से 88 तक एक जगह है टूटिंग और मचुका जो कि सेंट्रल अरुणाचल में है, और वहां पर जाने के लिए अलोंग से 6 दिन पैदल जाना पड़ता था। वहां पहले सड़कें नहीं थी, या तो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड था या आपको पैदल चलना पड़ता था। वो हालात थे, आज की तारीख में वहां पर सड़कें बढ़ गई हैं और लाइन ऑफ फ्रैक्चर कंट्रोल तक सड़कें जा रही। तो ये बदलाव आया है, ये बदला हुआ भारत है, इसमें कोई शक नहीं। कि जो मैसेजिंग अभी भेजी है होम मिनिस्टर की, वो काबिले तारीफ है कि भी तू में एक रात वहां रहना एक प्रकार चीन को डायरेक्ट मैसेज है। जो वो बार बार ये कहता है जंगनान जो अरुणाचल को बोलता है वो एक साउथ तिब्बत है, एक बहुत ही तमाचा है चीन के मुंह पे कि ये भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा था और हरदम भारत का हिस्सा रहेगा। एज अ होम मिनिस्टर वो रात को वहां रुके हैं, मुझे लगता नहीं इससे कोई बड़ी प्रेरणा मिल सके देशवासियों को। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी डेवलपमेंट हो रही है वो उससे भारत के अंदर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आने वाली है टूरिज्म को स्पेशली लेते हुए। चौधरी साहब, मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं कि गृह मंत्री अमित शाह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर गए थे और कुल मिलाकर के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के 2967 गांवों को आपस में जोड़ा जा रहा है जो सीमावर्ती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण एक योजना है, एक सोच है भारत सरकार की कि इन सारे प्रदेशों में जितने सीमाई गांव हैं कुल मिलाकर के 2967 इनको सड़क के जरिए आपस में जोड़ा जाएगा, इनको स्वावलंबी बनाया जाएगा। और पहले चरण में 662 गांवों को चुना गया है आपस में जोड़ने के लिए, और इनमें भी 455 गांव तो अकेले अरुणाचल प्रदेश के हैं। शिवाज साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि पूरी सरहद के जितने भी गांव हैं उनको सड़क के जरिए आपस में जोड़ दिया जाए। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि अगर आप पार देखें चीन बहुत जोरों से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, वहाँ पर उसने भी सड़कें बना ली हैं, रेलवे लाइन बनाए हैं, तिब्बत में एक लॉजिस्टिक डिपो बनाया है जो लार्जेस्ट है एशिया का, उसके बाद उसने भी एक मॉडर्न विलेजेस बनाए हैं 600 से 700, वो गांव नहीं वो डिफेंडेड लोकेलिटी है, जहाँ पर उसने एक डेमोग्राफिक चेंज भी कर दिया है, वहाँ पर बुद्धिस्ट की बजाय उन्हें हान पॉपुलेशन को भी बसाया है। मगर देखो भारत ने जो एक अपना डेवलपमेंट का एक मॉडल लिया है वो काबिले तारीफ है। आपने ठीक बोला कि 3000 के करीब जो गांव हैं, जो 19 डिस्ट्रिक्ट हैं, 5 बॉर्डर स्टेट जो अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और उसके बाद आपका उत्तराखंड है, हिमाचल और लद्दाख, और ये वाइब्रेंट विलेजेज हैं। इसमें 4,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ये 4-5 साल के अंदर ये सारे विलेजेज बन जाएंगे। पहले फेज में 662 गांव हैं जिसमें से 455 के करीब वो अरुणाचल में ही है। अब इसका फायदा क्या होगा, इसके कारण क्या होगा कि जो पलायन हो जाता था, क्योंकि उस इलाकों में जो कि लाइन ऑफ फ्रैक्चर कंट्रोल में थे लोग वहां पर रह नहीं सकते थे, ना बिजली थी, ना पानी था, ना कोई हॉस्पिटल था, ना वहां पर कोई स्कूल था, तो लोग ना उनको कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम थी, तो वो लोग वहां से छोड़ छोड़ के पीछे आ गए थे और वो इलाका खाली पड़ा था और उसका इस्तेमाल चीन स्लाइमी स्लाइसिंग से भी करता था। अब जो हमने ये वाइब्रेंट विलेज इस गवर्नमेंट लेके आई है वो काबिले तारीफ है, ये सब फैसिलिटी होंगी, स्कूल भी होगा, हेल्थ सेंटर भी होगा, वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम के लिए आपका हैंडीक्राफ्ट भी की इस्तेमाल के लिए कॉटेज इंडस्ट्री खुल गई है, तो अब वो लोग वहीं रहेंगे और वो अभी भारत की फौज का आइज एंड ईयर बनेंगे और भारत की फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। देखो सच्चाई यह है कि वो लोग भारत के फ्रंट लाइन है और वो सबसे ज्यादा पेट्रियोटिक है, ये एक पूरा माइंडसेट कर दिया। और ऐसा सुनने में आया कि रिवर्स माइग्रेशन होगी, अब जो लोग वहां से छोड़ के भी चले गए थे अब वो वापिस आएंगे वहां पर, तो ये मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छी पहल है। और ये जो गांव बसाए जा रहे हैं इनको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये अरुणाचल में नहीं, ये पूरे जो इलाके मैंने बताया सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और आपका लद्दाख के एरिया में ये डेवलपमेंट आएगी, टूरिज्म बढ़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है
कि आप इंपावर करोगे बॉर्डर एरिया में इन लोगों को, और जब ऐसी डेवलपमेंट होगी वहां पर एजुकेशन, हेल्थ सेंटर आएगा, टूरिज्म का बहुत बढ़ावा आएगा, और उससे पूरे देश की भी तरक्की होगी, इन इलाकों की तरक्की तो होगी। देखो माइंडसेट कितना बदल गया है। आज से 10-15 साल पहले हम डिफेंसिव थे, हम सोचते थे कि डेवलप करेंगे चीनी आ जाएंगे, आज हम सोचते हैं हम डेवलप करेंगे हम जाएंगे। और पहले हम डिफेंसिव इसलिए भी थे कि हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं थी और ना हमारी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी। आज हम फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और हम जो चीन को मैसेज कर रहे हैं कि हम डिफेंसिव नहीं है, हम ऑफेंसिव भी हैं, क्योंकि हमने दो स्ट्राइक कोर रेज कर लिए हैं। एक 17 स्ट्राइक कोर जो कि अभी रेज की थी कोई 6-7 साल पहले, और अब एक वेस्टर्न थिएटर से हमने मूव करके नदन सेक्टर में ले आए हैं। हमने चीन को मैसेज भेजा है उसकी आंखों में आंखें डाल के कि चीन ये ना समझे कि वो भारत के अंदर घुस सकता है, भारत के अंदर काबिलियत तो क्षमता है, हम आपके अंदर घुसेंगे। इससे पूरा पलटा ही बदल गया है, और ये सच्चाई है। आज हमारा सीना फूटता है जब हम ये है कि लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है बॉर्डर एरिया में, जिस प्रकार से ये एक प्रकार से सड़कों का ताना बाना लग गया है, ब्रिजेस बन रहे हैं, टनल्स बननी है, इसी प्रकार से लद्दाख के अंदर भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट की मानना पड़ेगा, ये काबिले तारीफ है जिस प्रकार से ये वाइब्रेंट विलेज की जो अब लेके आए हैं, और इसको अगर हम अनफोल्ड कर देंगे ढंग से तो मुझे लगता है टूरिज्म बहुत बढ़ोतरी होगी और इन इलाकों के अंदर एक तरक्की और डेवलपमेंट का माहौल आएगा। चौधरी साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जनरल साहब, कि पूर्ववर्ती सरकारों की सोच क्या थी और वो क्यों भयभीत रहती थी, क्योंकि उस समय जो इकोनॉमिक हमारी कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, हमारी जो सेनाएं थी उनके पास भी उतना साजो सामान नहीं था, उतना उसको आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से लैस नहीं किया गया था, तो सब एकदम सोच दूसरी थी और आज अप्रोच एकदम अलग है। चीन ने अमित शाह साहब की यात्रा पर अपनी आपत्ति जताई थी और ये कहा था कि ये तो विवादित क्षेत्र है, ये तो तिब्बत का इलाका है, लेकिन अमित शाह जानबूझ करके डेलिबरेटली चीन को एक कड़ा मैसेज देने के लिए एलएसी से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव में रात को रुके, और ये ऐसा संदेश है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जब यहाँ आ रहा था हवाई मार्ग से तो मैंने सैकड़ों झरने देखे हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री पेमा खांडू से ये कहा कि मेरे लिए तो यहीं एक जमीन तलाश करिए जहाँ मैं अपना घर बना सकूँ और जब वृद्ध हो सकूँ तो यहाँ आकर के रह सकूँ। अरुणाचल में सूर्यदेव की पहली किरण भारत की भूमि को छूती है। शिवाज साहब, बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की है गृह मंत्री ने। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। देखो मैं, ये सच्चाई है कि जो होम मिनिस्टर ने ये मैसेज भेजा ये काबिले तारीफ। मैंने बताया आपको माइंडसेट क्या था आज से 15-20 साल पहले, हम डेवलप नहीं करते थे अपना अरुणाचल प्रदेश, डर था कहीं चीन ना आ जाए, उस सड़कों का इस्तेमाल ना करे। आज हमारा देश का होम मिनिस्टर एलएसी से चंद एक किलोमीटर दूर वहां रात को रह रहा है और एक प्रकार से चीन को सीधा एक मैसेज भेज रहा है और वार्न कर रहा है और एक चैलेंज कर रहा है कि ये बदला हुआ भारत है, आप कौन से जंगनान की बात करते हो, ये जो आर्टिफिशियल और इमेजिनरी डेवलपमेंट से आप नाम चेंज करते हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट अंग था और अटूट अंग रहेगा, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट। देखो इस गवर्नमेंट की बदली हुई है, आज की तारीख में हमें एससीओ की प्रेसिडेंसी और G20 की प्रेसिडेंसी है, और वहां पर हम करीब करीब 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी में एक प्रकार से मीटिंग कर रहे हैं G20 की, और उसमें से हम श्रीनगर में भी कर रहे हैं और अरुणाचल में भी कर रहे हैं। आज से पहले गवर्नमेंट ये थी 10 बार सोचती अरुणाचल और J&K में करने के लिए कि क्या चीन सोचेगा, क्या पाकिस्तान सोचेगा, क्या पता वो आए ना आए, मगर ये बदली हुई सरकार है, ये बदला हुआ देश है,
ये वो देश है आज जो फोर्थ लार्जेस्ट फोर्ज है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, आने वाले 4-5 साल में वो थर्ड लार्जेस्ट होगा जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ के। तो वो परवाह नहीं करती क्योंकि पूरा वर्ल्ड आज भारत के साथ खड़ा हुआ है और चीन और पाकिस्तान को डर है कि भारत एक का जो दर्जा है वो बढ़ता जा रहा है। मैंने बताया था कि आप तो चौधरी साहब जैसे बात कर रहे थे, अगर आपको वर्ल्ड में रिस्पेक्ट चाहिए तो आप इकोनॉमिकली और मिलिट्री दोनों स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक प्रकार से एक सिक्के के दो पहलू हैं और भारत को ये समझ आया है। और भारत दोनों तरफ, अगर भारत की इकोनॉमी देखें, COVID-19 से पहले भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी और COVID-19 के बाद भी आज भी भारत की जो इकोनॉमी है फास्टेस्ट ग्रोइंग। तो ये सच्चाई है, मुझे लगता है एक बहुत साफ सुथरा मैसेज चीन को भेजा है कि अगर वो कोई भी हरकत करेंगे भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा। तो दिशा, अगर आपको ये वार्तालाप और ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करें, अपनी राय भी व्यक्त करें और इस वीडियो को फॉरवर्ड भी करें। शिवाज साहब बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार। मेहरबानी मेहरबानी चौधरी साहब, जय हिंद। जय हिंद सर।